वल हबीबी आलू महंगा सस्ती गोली। नमस्कार वालेकुम अस्सलाम मेरे हिंदुस्तानी दोस्त लोगों, मैं गुद तालिबान। अच्छा नहीं 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 नहीं, वो पाकिस्तान वाला गुदिया बैद नहीं, जो पेशावर में बच्चे मरे तो बैद और अफगान के मासूम मरे तो गुद। मेरा नाम ही गुद्दन खान है, प्यार से लोग मुझे गुद बुलाती। मैं तालिबानी पास आउट 2012 बैच, मगर हमारे मार्क्स बहुत गंदा होती। हम पठान थोड़ा कच्चे दिल का होती। ब्रदर कुकरो कहाँ होती, हमारे भट गई होती। ब्रदर एक तालिबानी से मजाक अच्छा नहीं होती। हम तुमको कुत्ता कमीना बोल के तुम्हारी कोनी पे काट कर भाग जाते, मगर हम ऐसा नहीं करती क्योंकि हम एक नेक दिल का इंसान होती। हम तो इतना नेक होती कि हम एक लड़की का फोटो देख के खुद पर खुद ही बुरखा पहन लेती। ओ यारा हम पठान का बच्चा होती, मगर खून देख के हमारा दिल कच्चा कच्चा होती। हमको रेड कलर बिल्कुल पसंद नहीं ब्रदर, काश खून का कलर बेबी पिंक होता। तुमको पता है ब्रदर, हमको अपने बैच में प्रैक्टिकल में सबसे कम मार्क्स मिलती, मगर हम सबसे ज़्यादा आदमी मारते। वो बोलते वाइसिटी और टेकन थ्री में मारे गए आदमी काउंट नहीं होते। हमारा तो दिल ही टूट गया ब्रदर। हमने ट्रेनिंग पाकिस्तान से लिया, हमारे दद्दू जान की तरह। बस फर्क ये होती उस वक्त अमेरिका हमारे साथ खड़ा होती रसिया की मारने खाती। oh, yes. लेकिन अब हमारे ही पिछवाड़े में बड़ा होती। और ये अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर चैंपियन, ओह डेमोक्रेसी ऐसे छोड़ के जाती जैसे पुराने फिल्मों में विलन हीरोइन को मां बना के छोड़ के जाती। पर ब्रदर हमारी इतनी जल्दी बर्बादी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा होती। हाथ ब्रदर हाथ। मगर पाकिस्तान ये नहीं जानता है ये जब उनकी में जाती तो कितना दर्द होती। इस बार हाथ नहीं ब्रदर, वो जो तुम समझ रहे। बिकॉज तालिबान इज अ बिग एल। वैसे ब्रदर ये जो पाकिस्तान ने तालिबान को ऊपर उठाया, इसमें एक शेर याद आती। मान लिया तुम्हें झुक कर देने की आदत होती, मान लिया ब्रदर तुम्हें झुक कर देने की आदत होती, कभी बांग्लादेश तो कभी कश्मीर में मुँह की खानी होती। अब बच कर रहना ब्रदर तालिबान से अपनी कान पतवाने को, अब बच के रहना ब्रदर अपनी कान पतवाने को, क्योंकि तालिबान किसी का भाई नहीं, पैदाइशी हरामी होती, पैदाइशी हरामी होती। अच्छा ब्रदर हमको समझ नहीं आता, तालिबान में सब लोग राइट्स की बातें करते, अब जैसे सऊदी में वोमेन रोज खुशी से बेहोश होती, या अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट में जय वीरू जैसी दोस्ती होती, या चाइना और रसिया में डेमोक्रेसी रोज खुशी से ऑर्गेज्म लेती। माफ करना ब्रदर, भारत मुल्क का बहुत इज्जत करता मैं, बहुत रिस्पेक्ट करता मैं, पर यहाँ भी जन्नत जैसी सोसाइटी में डाइवर्सिटी होने के बाद दंगे होते, 9 साल की बच्ची के साथ गंदा काम होती, कास्ट के नाम पर कमजोर को डराती। तालिबानी अफगानिस्तान तो अनपढ़ गवार होती, कम पैसा कम डेमोक्रेसी होती इधर। मगर ब्रदर तुम क्यों लड़कर ऐसा कर रहे हो? ब्रदर एक शेर अर्ज करता हूँ, हिंदुस्तान जैसे मुल्क को टूटने ना देना, प्यार मोहब्बत आपस में छूटने ना देना, अगर हो जाए गिले रंजिशे दिलों में तो पाकिस्तान जैसे मुल्क को फ़ायदा उठाकर नया तालिबान बनाकर इसे लूटने ना देना। फिलहाल ब्रदर हम चलती, एक औरत की उंगली काटनी होती। oh, no. जोकिंग ब्रदर जोकिंग, लेडी फिंगर भिंदी, हमारी बीवी काम पर जाती तो खाना हम बनाती। चलती ब्रदर, खुदा हाफिज़, सबका खैर।